हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली अच्छे ही होंगे। और यहाँ पर अभी बजे हैं सुबह के 6 और मैं बना रही हूँ यहाँ पर चाय मैंने चढ़ा दी है। साथ ही मैं आज बनाऊँगी टिफ़िन के लिए गोभी के पराठे। हस्बैंड और बेटे को गोभी के पराठे दूँगी मैं आज। तो गोभी को मैंने पहले अच्छे से धो करके गर्म पानी में उबाल करके कस लिया था, और यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म कर लिया है, इसमें हींग ऐड कर दिया है, साथ ही हम जीरा भी इसमें ऐड कर देंगे और हल्दी ऐड कर देंगे उसके बाद। और फिर हम इसमें कसी हुई गोभी को ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। और बहुत ही टेस्टी लगते हैं गोभी के पराठे, सर्दियों में तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें सभी बेसिक मसाले जैसे नमक है, लाल मिर्ची पाउडर है, धनिया पाउडर है, ये सभी मसाले ऐड कर देंगे और इन्हें अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। आटा मैंने पहले से लगा करके रख लिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा बेसन भी ऐड किया है ताकि बाइंडिंग में प्रॉब्लम ना हो, तो थोड़ा सा बेसन भी इसमें ऐड कर दिया है मैंने। और ये बहुत टेस्टी लगते हैं सही में फ्रेंड्स। और वैसे सर्दियों में सभी बनाते हैं गोभी के पराठे, और इसके लिए हमें आटा मीडियम चाहिए होता है, ना ज़्यादा टाइट चाहिए होता है, ना ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए होता है। तो इस तरीके का आटा लगा लें आप, और पेड़े बनाकर जिस तरीके से मैं बना रही हूँ उस तरीके से आप बना सकते हैं। वैसे सभी को स्टफ्ड पराठे बनाने आते ही हैं, आलू के पराठे भी हम बनाते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने पराठा बना लिया है और ये तवे पे डाल दिया है। जैसे ही तवे पे डाला, मेरी किचन का जो है बल्ब फ्यूज़ हो गया, बट फिर मैंने सोचा चलने दो एक बार, क्योंकि मोबाइल का जो टॉर्च है वो तो ऑन था, तो मैंने वीडियो बना ली थी। और ये देखिए पराठा सिक करके तैयार हो गया है। पहला पराठा वैसे भी मम्मी जी के लिए निकाल के रखती हूँ, गाय के लिए, मम्मी जी के लिए निकाल देती हूँ एक एक पराठे। और ये जो सेकंड पराठा है वो भी मैंने तवे पे डाल दिया है, और इसे भी मैं अब अच्छे से सेक लूँगी, क्योंकि जो स्टफ्ड पराठे होते हैं ना, बच्चे भी उसे इजीली खा लेते हैं और हस्बैंड को भी अच्छे लगते हैं। क्योंकि अथक क्या है, नॉर्मल पराठा आलू की सब्ज़ी धोना तो उसमें से ज़रूर छोड़ कर के आता है, और अगर मैं स्टफ्ड पराठा उसे देती हूँ ना, चाहे तो वो आलू का पराठा हो चाहे वो गोभी का पराठा हो, तो वो इजीली खा कर के आ जाता है। नहीं तो मुझे टेंशन रहती है कि वो खाएगा या नहीं खाएगा, और फिर दोपहर को 2 बजे तक उसे भूख लगेगी अगर वो कुछ लंच अच्छे से नहीं करेगा। क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है कि बच्चे अच्छे से ब्रेकफास्ट करके भी नहीं जाते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड का टिफ़िन भी पैक कर दिया, थक जा चुका है स्कूल, और अब मैं अपने हस्बैंड का टिफ़िन भी पैक कर रही हूँ। और टिफ़िन में मैं हस्बैंड को दे रही हूँ दही और गोभी के पराठे, और अथक को मैंने दिया था अचार के साथ। आज उसने कहा सॉस नहीं ले जाऊँगा मम्मा, आप मुझे अचार दे दो, तो उसे भी गोभी के पराठे अचार दे दिया था मैंने, और हस्बैंड को दही के साथ दे दिए थे। अब हस्बैंड भी जा चुके हैं, तो यहाँ पर मैं रूम सेट करने के लिए आ गई हूँ, और बेडशीट मैं यहाँ पर सेट कर रही हूँ, दोबारा से वही लगा रही हूँ क्योंकि एक ही दिन पहले लगाई थी, तो उसे मैं दोबारा से हटा करके लगा देती हूँ। तो क्लीन ही थी बेडशीट, तो वही बेडशीट मैं सेट कर रही हूँ वापस से इसमें, और क्लीनिंग मैं कर चुकी हूँ, तो बस सेटिंग रही है घर की, तो वो धीरे धीरे सेटिंग कर लूँगी। क्योंकि क्या होता है कि एक बार क्लीनिंग हो जाती है तो सेटिंग होती रहती है धीरे 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 धीरे। फ्रेंड्स, और अभी बजे है 12:15 हो चुके हैं, और मेरा ऑलमोस्ट जो काम है वो हो चुका है, घर का साफ़ सफाई हो चुकी है और लंच का काम भी हो चुका है। पापा जी को मैं खाना लेके आ गई हूँ, और मैंने देखिए गोभी के पराठे आज बनाए हैं, तो यह अचार का जो ऑयल है वो इधर उधर हो गया है थाली पे, तो मैं भी अब लंच करूँगी। तो मैंने सोचा पहले आप लोगों से बात कर लेती हूँ, और काफ़ी काम तो हो चुका है, अब जब अथक आएगा तब काम स्टार्ट होगा। और आज मैं ज़्यादा तैयार व्यार भी कुछ नहीं हुई हूँ, मैं नहीं, और आज थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे, तो बस मैंने आँखों में बस काजल लगाया, फेस पे अभी तक कुछ भी नहीं लगाया है मैंने, और बस नहा के बस काम ही कर रही थी खाने का। मैंने सोचा पहले काम कर लूँ, और फिर आज शायद हमारे घर पर कोई गेस्ट भी आएंगे, तो मैं क्लीनिंग वगैरह थोड़ा ढंग से कर रही थी मैं इनका।
गेस्ट आए तो वैसे ऊपर तो कोई भी नहीं आता है, बट फिर भी हमें ऐसा लगता है कोई मान लो बाय चांस आ ही जाए। तो मैं आज घर थोड़ा सेट कर रही थी, नीचे का घर भी मैंने कल सेट कर लिया था थोड़ा सा, तो इस वजह से मैं आज साफ सफाई वगैरह कर रही थी सुबह से ही। और अब मैं खाना खाऊंगी तो मैंने एक ही पराठा बना लिया है, गोभी का हैवी सा पराठा बना लिया है, क्योंकि दो दो पराठे बनाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, तो मैंने एक ही पराठा बना लिया। तो मैंने सोचा मैं लंच भी कर लेती हूँ और आप सबसे बात भी कर लेती हूँ। और कल हम लोग ग्रॉसरी का सामान लेके आए थे, वो भी आज मुझे भरना है, तो पहले मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। अगर मैं वो कंटेनर्स में फिल करूंगी उससे पहले आपको दिखा दूंगी। वैसे इस बार मैं ज़्यादा सामान नहीं लेके आई क्योंकि शादी में गई भी थी, तो 12 तारीख तक तो मैं वहीं थी, तो काफ़ी सामान तो रखा था ऑलरेडी, तो जो सामान ख़त्म हो चुका था वही सामान मैं लेकर के आई हूँ। और सब्जी वगैरह लेकर के आए थे, तो बस वो सब्जी में सेट करनी है अभी, तो वो भी करना है। और अथक का एक साइंस प्रोजेक्ट है, वो भी बनाना है, तो वो भी बनाना है क्योंकि वो 30 तारीख तक बना करके स्कूल में देना है, तो इतने काम अभी भी पेंडिंग पड़े हैं, तो वो करूँगी। और शाम को जाना है संगीत में, शायद चले जाएँ संगीत, अगर मेरी तबीयत ठीक रही तो मैं ज़रूर जाऊँगी, तो संगीत में भी जाना है। तो बहुत सारे काम पड़े हैं, तो मिलती हूँ थोड़ी देर में, लंच करके मिलती हूँ। और इसको अवॉइड कीजिएगा, ये इतना ऑयल इधर इधर हो चुका है थाली में, तो मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। तो फाइनली फ्रेंड्स, ये रहा मेरा ग्रॉसरी का सामान, तो मैं आपको वन बाय वन करके दिखा देती हूँ। तो ये है ऑयल, इस बार हमने ऑयल चेंज किया है क्योंकि जो ऑयल वो था वो सूट नहीं हो रहा था, इनको सूट नहीं हो रहा था, ये बोल रहे थे मुझे टेस्ट सही नहीं लग रहा उसका, तो मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगी किसी भी ऑयल का। तो हमने इस बार मूंगफली का ऑयल मंगवाया है, रिफाइंड ऑयल की बजाय, तो ये थार ऐसे कुछ नाम से है, स्वाद राजस्थान का। तो ये वाला ऑयल मेरे हस्बैंड लेके आए इस बार, इन्होंने कहा था मूंगफली का ऑयल ले ले, तो ये 2 kg, 2 लीटर, 2 लीटर, हाँ 2 लीटर ऑयल है। और ये हींग, हींग के बगैर तो हमारा काम चलता ही नहीं, क्योंकि प्याज वैसे नहीं खाते, तो हींग तो मस्ट है। और ये है राइस के पैकेट, ये राइस के पैकेट, 2 kg राइस मंगवाए हैं मैंने। और ये वही मसाले वगैरह, धनिया पाउडर है, और ये मूंग दाल मंगवाई, बाकी दालें सब रखी हैं मेरे पास इस बार, तो सारी दालें रखी हैं, तो मैंने ओनली मूंग दाल ही मंगवाई है। और ये टर्मरिक, और ये लाल मिर्ची पाउडर, और ये सर्फ, रेन सर्फ, मुझे ना बाकी किसी भी सर्फ की जो स्मेल होती है ना वो बिल्कुल सूट नहीं करती है, मेरा मतलब सर चढ़ने सा लगता है, दर्द होने लगता है। और ये रिन ही एक ऐसा सर्फ है जिसकी स्मेल मुझे सूट होती है, और कपड़े भी अच्छे से धुलते हैं इससे, और प्राइस भी ज़्यादा नहीं है इसका। और ये तो अथक का चिप्स का पैकेट है, ये नूडल्स अथक के, जो खाने वाले नूडल्स होते हैं ना वैसे, वो चावल के जो नूडल्स होते हैं वो, ये बिस्किट का पैकेट, और भी दिखाती हूँ, और कुछ नमकीन वगैरह है, बीकानेरी नमकीन वगैरह होती है ये, वो मिक्सचर वगैरह, तो मेहमान आते हैं तो चाहिए पड़ती है ये पड़ती है। ये चिप्स का पैकेट है, ये भी बिशन लाल बाबूलाल यहाँ के बहुत फेमस है, उनके चिप्स हैं ये। और एक और बताती हूँ, ये इन्हें गांठियाँ बोलते हैं, नमकीन है बीकानेर की, वो फेमस नमकीन है, गांठियाँ बोलते हैं इनको, इस टाइप के होते हैं बेसन के वो। और ये चीनी, आप सोचेंगे क्या करेंगे, और ये घी, एक घी का डब्बा मैंने पहले मंगवा लिया था, अभी आई थी मैं मम्मी के घर से, था वो एक अभी मंगवा लिया, तो काफ़ी है अब तो इस मंथ का, तो वैसे भी दिन निकलने ही वाले हैं। ये है बेसन, बेसन काफ़ी लगता है हमारे घर में क्योंकि बीकानेरी है, तो जाहिर सी बात है बेसन तो लगना ही है, ऐसा बोला जाता है कि बीकानेरी जो लोग होते हैं वो बेसन के बैरी होते हैं, गट्टे बनेंगे, पतोड़ बनेंगे, राजस्थानी लोग बेसन की चीज़ें बहुत बनाते हैं क्योंकि, तो ये बेसन हमारे घर में काफ़ी लगता है बेसन। और ये नमक, और ये है मैगी का पैकेट, और ये कौन सी मैगी है, हाँ सही है, मैंने सोचा कहीं आटा नूडल ना लेके आ गया हूँ हस्बैंड। और ये बाजरी का आटा अभी सर्दियों में बहुत बनेगा, कढ़ी बाजरी, बाजरी की रोटी जब भी मैं बनाऊंगी ना तो ज़रूर शेयर करूंगी। तो 1 किलो मैंने बाजरी का आटा मंगाया था कढ़ी के साथ, तो मेरे हस्बैंड को और पापा जी को दोनों को ही बहुत पसंद है बाजरी की रोटी। और ये मूंगफली गोटा, ये जीरा, और ये राई, क्योंकि जीरा मेरा बेटा नहीं खाता तो मैं राई डालती हूँ मोस्टली सब्जी में। और ये विम बार, और ये नहाने का साबुन, मैं किसी भी साबुन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि मैं यहाँ भी ऐड नहीं कर रही हूँ, तो ये साबुन है।
तो बस इतना ही सामान इस बार मंगवाया था, क्योंकि वैसे भी मंथ एंड हो रहा है और ये काफ़ी चल जाएगा अभी काफ़ी टाइम, तो क्योंकि काफ़ी सामान तो अभी वैसे भी रखा है मेरे पास और सब्जियां मैंने फ्रिज में रख दी हैं। और अब थोड़ी देर रेस्ट करूँगी ये सामान सेट करने के बाद, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद अथक का साइंस प्रोजेक्ट देखूँगी आज, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है बनाना, तो वो भी देखूँगी। और मैं कुछ अपने सब्सक्राइबर्स या नहीं है मेरे लिए, वो मेरी फैमिली ही है, तो फैमिली मेंबर्स हैं वो मेरे वाइटी फैमिली के मेंबर्स हैं, तो आज मैं कुछ मेंबर्स का नाम लेना चाहूँगी जो डेली मेरी वीडियोस को देखते हैं, मेरे काम को अप्रिशिएट करते हैं और मुझे मोटिवेट करते हैं व्लॉग्स बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं नाम लेना चाहूँगी प्रकृति गोस्वामी का, वो डेली मेरे व्लॉग्स देखती हैं और हमेशा कमेंट करके जाती हैं और व्लॉग्स की तारीफ करके जाती हैं। और रिसेंटली अभी मैं एक शादी में उनसे मिली भी थी, तो मुझे उनसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा, हम लोगों ने सेल्फी भी ली, मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिल करके। और नेक्स्ट मैं नाम लेना चाहूंगी मीरा जी का, मीरा देवी जी का नाम, वो भी डेली मेरे ब्लॉग्स देखती हैं और डेली कमेंट करती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं आप ही लोगों के लिए ब्लॉग्स बनाती हूँ। और एक और है जिनका मैं नाम लेना चाहूंगी, परवीन देसाई जी हैं, जो कि डेली मेरे ब्लॉग्स में कमेंट करती हैं और आप मान के चलें कि नियम से उनका कमेंट आता है और डेली मेरे ब्लॉग्स देखती हैं, तारीफ करके जाती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग जब मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, मेरे काम को अप्रिशिएट करते हैं, तो मुझे बेहद खुशी मिलती है, मैं मोटिवेट होती हूँ ब्लॉग्स बनाने के लिए आप ही लोगों की वजह से। तो आगे भी मैं आप लोगों के सबके नाम लूँगी धीरे धीरे, अभी मुझे दो तीन नाम याद थे तो मैंने आप लोगों के नाम ले दी, तो नेक्स्ट व्लॉग में आप देखिए किसका नाम आता है, तो जरूर बने रहिएगा व्लॉग्स में। हाँ एक नाम और मुझे पार्वती दी का नाम याद है, आया है अभी रिसेंटली, वो भी पार्वती दी भी डेली व्लॉग्स देखती हैं और कमेंट करके जाती हैं, तो मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहता है, हमेशा कमेंट्स का इंतजार रहता है और आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आगे के जो व्लॉग होंगे उनमें मैं बाकी जिनके नाम रह गए हैं उनके नाम जरूर लूँगी। तो सो फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है उसे मैं यहीं एंड करूँगी, क्योंकि व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा अदरवाइज़, और मैं बहुत थक भी गई हूँ, तो थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और अब थक आने का टाइम भी हो गया है स्कूल से। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए आप लोग अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और मेरे व्लॉग्स देखते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा, मुझसे कनेक्ट रहिएगा, और जो लोग अभी तक मेरी वाइटी फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं वो भी प्लीज़ 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 मेरी वाइटी फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा और वाइटी फैमिली को और बड़ा बना दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।